एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में ना आपको बस खाना खाना और खाना ही दिखेगा, क्योंकि आज का वीडियो है व्हाट आई ईट इन अ डे टू स्टे फिट एंड हेल्दी। बहुत ही सारा हेल्दी रेसिपीज जो खाना मैं पूरे दिन में खाती हूँ फिट रहने के लिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले गुनगुना गरम लेमन हनी वाटर पीऊंगी खाली पेट में। ये आपको हेल्प करता है वेट लॉस में, आपको एक क्लियर ग्लोई स्किन देता है, जो पिंपल्स एक्ने वगैरह आपके फेस पे होते हैं ना वो चला जाता है, और ये डाइजेशन में भी हेल्प होता है। आपका जो थ्रोट में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे भी ये रिलीफ मिलता है। ये आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो अगर आप लेमन हनी वाटर रेगुलर पीते हो सुबह, ये आपके बॉडी में जितने सारे टॉक्सिन्स है ना उसको भी निकालता है। तो ये सबसे इजी और बेस्ट वे है वेट लॉस के लिए। जब भी आपके बॉडी से टॉक्सिन निकल जाता है ना, तब आपका वेट लॉस जल्दी होता है। मैं ब्रेकफास्ट करूंगी तो मेरा ब्रेकफास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ सीजनल फ्रूट्स रहता ही है, उसके साथ चाहे मैं कार्ब्स लूं या प्रोटीन लूं। तो आज मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड, जो कि होता है होल व्हीट ब्रेड, इसको बटर के साथ थोड़ा सा रोस्ट करके मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना। तो उसके साथ यहाँ पर फ्रूट्स में मैंने लिया है बनाना, एप्पल एंड ग्रेप्स। आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो, जो भी सीजनल मीन्स सीजन के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हो। आप डाइट करते हो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्सपेंसिव खाना खाओ। लोग ऐसे अक्सर सोचते हैं कि जो लोग डाइट करते हैं बहुत खर्चा करते हैं, एक्सपेंसिव खाना खाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो बजट में नॉर्मल खाना खाते हो ना, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे आपका वही बजट रहेगा। आपको एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मैं खुद एक्सपेंसिव नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ज़रूरत नहीं है कि आप ड्रैगन फ्रूट खाओ, हमेशा कीवी ही खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ, बेरीज खाओ। आप नॉर्मल एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स भी खा के आपके बॉडी में सारा विटामिंस, मिनरल्स सब आपको मिल सकता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुरंत नहाने चली जाऊंगी और बाकी छोटा मोटा जो काम है मैं वो कर लूंगी। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैं कपड़े वगैरह भी साफ कर लूंगी और उसके बाद मैं अभी बनाऊंगी लंच। तो आज लंच में बनाऊंगी पनीर का वेजिटेबल के साथ पुलाव। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा डिफरेंट वेजिटेबल्स लिया है, बीन्स, कैबेज, कैरेट, आलू, बैगन, ये सब बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। तो आप जितना कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करो आपके खाने में उतना अच्छा है। और उसके साथ यहाँ पर प्रोटीन में मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर, सोयाबीन और यहाँ पर है पीनट्स। तो ये सारा प्रोटीन है। और उसके साथ थोड़ा सा चावल जो है, ये हाफ कप चावल, कार्ब्स में थोड़ा कम ले रही हूँ, एंड मिक्स दाल जिसमें राजमा है, मूंग है और बहुत सारा सब कुछ है। तो हमेशा कार्ब्स की मात्रा कम रखो और पल्सेस, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, ये सब में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये ज़्यादा ऐड करो आपके खाने में। तो सब कुछ मैं अच्छे से कट कर लूँगी वेजिटेबल्स वगैरह। अगर आप सिंगल रहते हो ना, बैचलर हो और खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है, दाल करो, सब्जी करो, चावल अलग अलग बनाओ, तो आप इस तरह ना सारे वेजिटेबल्स को दाल चावल के साथ मिक्स करके बना दो। बस प्रेशर कुकर में कुक कर लो, थोड़ा सा जीरा का छौंका लगा दो एंड आपका लंच रेडी हो गया। बहुत ही प्रोटीन फाइबर्स वाला टेस्टी यमी हेल्दी लंच। तो मैं ये हमेशा लंच में या फिर डिनर में बनाती हूँ, ये एक इजी ऑप्शन है। आप
आप इसके साथ पापड़ ले सकते हो, अचार ले सकते हो। मैं यहाँ पर सरसों का जो कसुंडी होता है जो बोलते हैं उसको मैं ले रही हूँ, मुझे ये खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों बहुत ही अच्छे से पेट भर के खा रहे हैं। तो हमेशा याद रखो कि आपको फाइबर्स प्रोटीन्स ज़्यादा खाना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाएंगे जब हम डाइट करेंगे, ऐसा नहीं है। कार्ब्स से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो कार्ब्स भी आपके हर मील में ऐड करो और एक बैलेंस्ड मील हमेशा लो। उसके बाद अभी बारी है स्नैक्स की, जो इवनिंग में शाम को मैं लेती हूँ जिम जाने से पहले। तो आज मैं लूँगी थोड़ा सा म्यूसली, और ये हम दोनों प्रिया और मैं मिलके खाएंगे क्योंकि आज ज़्यादा मुझे भूख है नहीं और मैं जिम जाने से पहले एकदम पेट भर के स्नैक्स करके नहीं जाती हूँ। तो किसी ने ना मेरे प्रीवियस ब्लॉग में मुझसे पूछा था कि आप जो म्यूसली लेते हो उसका पैकेट दिखाओ, तो ये केलॉग्स का म्यूसली है 21% फ्रूट एंड नट्स सीड्स का। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसमें प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ थोड़ा सा मैं पीनट खाऊंगी, और ब्लैक कॉफ़ी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहे तो आप ग्रीन टी पी सकते हो। तो ये सब खा के मैं चली जाऊंगी जिम, जिम में जाके मैं अच्छे से वर्कआउट कर लूंगी। जिम से आते ही सबसे पहले मैं लेंस निकालूंगी हैंड वॉश करके, वो सबसे मेहनत का काम है मेरे लिए। उसके बाद फिर से मैं नहाने चली जाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी अभी डिनर। तो आज डिनर में प्रिया का फरमाइश है, उसे खाने का बहुत ही ज़्यादा मन है स्पेगेटी पास्ता, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन स्पेगेटी पास्ता। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स लिया है, बीन्स, कैरेट, कैबेज, और ये जो स्पेगेटी है ये होल व्हीट का स्पेगेटी है। चिकन यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा यमी होता है, ट्रस्ट मी। आप वर्कआउट करते हो, डाइट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेगेटी पास्ता वगैरह नहीं खा सकते। आप जितना उसमें हेल्दी वेजिटेबल्स डालो, स्पेगेटी आपका होल व्हीट का हो, तो घर पे बना हुआ स्पेगेटी भी रेस्टोरेंट टाइप लगेगा। हाँ, बस आपको खाना बनाना आना चाहिए जो मुझे आता है। तो यही है मेरे पूरे दिन का खाना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। रेसिपीज वगैरह चेंज करके इधर उधर करके खाती हूँ ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट पे जरूर बताना, और एक सब्सक्राइब तो करना बनता है ना गाइस, तो जल्दी से कर दो, और अगर पॉसिबल हो तो शेयर जरूर करो। और कोई भी अगर डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट पे बताओ, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी, और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस और लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।